हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। दोस्तों, आज का जो हमारा प्रॉब्लम है, ये हमारा LG का 21 इंच का टीवी है। और इसका जो प्रॉब्लम है, मैं जब टीवी को पावर देता हूँ, पावर देने के बाद स्टार्टिंग हो जाता है, और स्टार्टिंग होने के बाद ए भी दबाने के बाद जो ओके बटन है उसको दबाने के बाद हमारा टीवी पे जो ए भी पिक्चर होना चाहिए ए भी पिक्चर आ जाता है, लेकिन इस पे जो साउंड होना चाहिए वो साउंड हमारा नहीं है। इसीलिए ही आज का जो प्रॉब्लम है वो हमारा नो साउंड प्रॉब्लम आया है LG टीवी का। और ये प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे और इसको देखेंगे कहाँ से प्रॉब्लम होता है, कहाँ से प्रॉब्लम हो रहा है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं। हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटोन फिर लेके आया हूँ एक नया वीडियो। देख सकते हैं हमारे मेरे पास एक LG फ्लैटोन का एक 21 इंच का टीवी है। इस टीवी का प्रॉब्लम देखूंगा, सॉल्यूशन करके बताऊंगा। तब तक हमारा चैनल पे जो नया दोस्त है उसको कहूंगा मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊंगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं क्या करता हूँ, पहले टीवी को पावर देंगे। पावर देने के बाद देखेंगे हमारा पावर इंडिकेटर ऑन है, और ऑन होने के बाद हमारा टीवी स्क्रीन पे क्या दिखाता है। दोस्तों, कुछ देर के बाद हमारा टीवी स्क्रीन पे स्क्रीन आ जाता है, और स्क्रीन आने के बाद जो हमारा ओके बटन है, ओके बटन को दबाने से हमारा ए भी लिखा भी आ जाता है। और ए भी लिखा आने के बाद हमारा जो पिक्चर है वो हमारा पूरी तरह से क्लियर है। लेकिन एक चीज़ प्रॉब्लम है, जो हमारा टीवी पे पिक्चर तो आ गया है लेकिन इस पर साउंड नहीं आ रहा है। इसीलिए दोस्तों क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे इसका साउंड कहाँ से प्रॉब्लम हो रहा है। और इसे साउंड जो प्रॉब्लम आ रहा है वो हमारा स्पीकर से हो रहा है, या हमारा ऑडियो सेक्शन से हो रहा है, या ऑडियो आईसी से हो रहा है। इसीलिए एक एक चीज़ को चेक करना ज़रूरी है। और मैं क्या करूँगा, पहले टीवी को ओपन करूँगा, ओपन करने के बाद देखेंगे कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है दोस्तों, मैं टीवी को ओपन कर लेता हूँ, ओपन करने के बाद देखेंगे कहाँ पर प्रॉब्लम है। ठीक है दोस्तों, मैंने टीवी को ओपन कर चुका हूँ। बाद ये रहा हमारा पिक्चर ट्यूब, 21 इंच का पिक्चर ट्यूब है, ये योक कोयल है, ये हमारा बेस पीसीबी है। और जो आज का प्रॉब्लम है ये हमारा मेन पीसीबी का ही प्रॉब्लम होगा, और नहीं तो हमारा ये जो स्पीकर लगाया हुआ है स्पीकर का प्रॉब्लम हो सकता है। पहले क्या करना है वो आप लोगों को जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि आप नहीं जानेंगे, जो सिस्टम नहीं जानेंगे तो काम करना आसान नहीं होगा। इसीलिए क्या करते हैं, पहले इसका जो स्पीकर का टैग होता है वो स्पीकर टैग को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद एक एक करके दोनों स्पीकर को चेक करेंगे। जैसे ये बाजार मूड पे मैंने रख चुका हूँ, और इसको चेक करेंगे हमारा स्पीकर सही है कि नहीं। ये देखिए हमारा बाजार बज रहा है, मतलब हमारा ये वाला स्पीकर सही बता रहा है। और दूसरा स्पीकर भी चेक कर लेते हैं। दूसरा स्पीकर पे चेक करने से मुझे पता चला ये वाला स्पीकर हमारा ख़राब हो चुका है, लेकिन एक स्पीकर पे तो साउंड आना चाहिए था। इसका दोनों डुअल ऑडियो है, लेफ्ट राइट ऑडियो था। इसीलिए क्या करेंगे, इसका चेक कर चुका हूँ मैं, लेफ्ट राइट ऑडियो देख के चेक करवा चुका हूँ, लेकिन इसका ऑडियो कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इसका स्पीकर तो सही है, मतलब क्या हुआ, हमारा साउंड सेक्शन ख़राब हो सकता है। साउंड सेक्शन पर क्या होता है, हमारा एक साउंड आईसी रहता है, और हमारा मेन प्रोसेसर से सप्लाई जाता है, साउंड सप्लाई जाता है इनपुट से हमारा मेन प्रोसेसर से हमारा साउंड आईसी से स्पीकर, ये हमारा सिस्टम है। इसीलिए क्या करेंगे, पहले तो चेक करेंगे हमारा ऑडियो आ रहा है कि नहीं। ऑडियो आएगा तो हमारा चेक करना है हमारा जो मेन आईसी है, मेन प्रोसेसर है, वो प्रोसेसर से हमारा फ्लिप पहुंचता है कि नहीं, और हमारा इनपुट ऑडियो जो होता है इनपुट आ रहा है कि नहीं, इसको चेक करने से हमारा पूरा सिस्टम सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे, पहले ऑडियो सेक्शन देखेंगे, ऑडियो सेक्शन पे ऑडियो आता है कि नहीं। दोस्तों, मैंने पीसीबी को पलट चुका हूँ, और पलटने के बाद जो हमारा सिस्टम दिख रहा है ये हमारा ऑडियो सेक्शन है। ऑडियो सेक्शन पे क्या होता है, हमारा ऑडियो आईसी लगा रहता है, और ऑडियो आईसी पे जो वोल्टेज आना चाहिए उसको चेक करना है। और मैंने ये जो स्पीकर है, स्पीकर का वायर छोटा पड़ गया था, इसलिए मैंने एक स्पीकर का वायर इस पे कनेक्ट कर चुका हूँ, और कनेक्ट करने के बाद देखेंगे कहाँ पे सही होता है सिस्टम, जो साउंड आता है वो पूरी तरह से सिस्टम को चेक कर लेंगे। जैसे आप लोगों को पता है हमारा सिस्टम पे जो प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा साउंड का प्रॉब्लम है, वो साउंड का प्रॉब्लम ज़्यादातर हमारा मेन आईसी से नहीं आता है, वो ज़्यादातर हमारा साउंड आईसी से आता है। साउंड आईसी जब तक फ्लिप नहीं देगा, ऑडियो हमिंग नहीं देगा, तो हमारे सिस्टम पे प्रॉब्लम देगा होगा।
इसीलिए क्या करेंगे, एक एक चीज़ को चेक करना है। जैसे पहले टीवी को चालू करेंगे, टीवी को चालू किया और चालू करने के बाद इसको चेक करेंगे इसका वोल्टेज आता है कि नहीं। उससे पहले जो ए भी कॉल लगाया हुआ है इसको ए भी को ऑन कर देता हूँ। ओके दबा के इसको ऑन करना है। मैंने ओके दबा के सिस्टम को ऑन कर दिया और देखिए ए भी का पिक्चर आ चुका है। और आने के बाद इसका हमिंग चेक करेंगे। दोस्तों इसका हमिंग नहीं आ रहा है, कोई भी फ्लिप नहीं है। और फ्लिप नहीं है मतलब इसका वोल्टेज चेक करना जरूरी होता है। ये देखिए इसका वोल्टेज पिन, ये देखिए 17 वोल्ट आ रहा है। और दूसरा पिन भी चेक करेंगे, ये देखिए 17 वोल्ट आ रहा है। मतलब हमारा साउंड आईसी पे वोल्टेज पहुंच रहा है। वोल्टेज पहुंचने के बाद हमारा सिस्टमेटिक जो होता है, जो सिस्टमेटिक हमारा म्यूट सेक्शन होता है एक और स्टैंड बाई सेक्शन होता है, उस पर वोल्टेज पहुंचना चाहिए। वो वोल्टेज पहुंचेगा तो हमारा सिस्टम चालू हो जाएगा। ये हमारा ग्राउंड का पिन है, ग्राउंड का पिन है। और ये हमारा म्यूटर ट्रांजिस्टर है। म्यूटर ट्रांजिस्टर पे इनपुट पे हमारा वोल्टेज कितना आएगा, ये देखिए 4.2 आ रहा है। लेकिन ये इस वाला पिन पे हमारा कोई भी वोल्टेज नहीं है। क्यों वोल्टेज नहीं है? ये वोल्टेज नहीं आएगा तो हमारा साउंड सेक्शन चालू नहीं होगा, या हमारा ये साउंड आईसी ही खराब है, ये देखना जरूरी होता है। और एक ट्रांजिस्टर लगा रहता है, इस पर देखेंगे वोल्टेज, देखेंगे कुछ भी वोल्टेज आता है कि नहीं। ये देखिए ये वाला हमारे म्यूटर सेक्शन का और एक ट्रांजिस्टर है जो ऑडियो इनपुट कर रहा है। इस पर ऑडियो इनपुट हो रहा है। ठीक है, जो भी छोड़ दीजिए। ये जो हमारा म्यूटर ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर हमारा ख़राब हो जाएगा तो ये वाला प्रॉब्लम देगा। इसीलिए क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। ओपन कैसे करेंगे, ये तीनों पिन पे हमारा दो पिन ओपन कर देंगे। तो ओपन कर देने से क्या होगा, हमारा ये वाला जो वोल्टेज इस पर नहीं पहुँच रहा था या हमारा ग्राउंड कर दिया गया है, ये हमारा ओपन हो जाएगा। ठीक है, मैं ओपन करके चेक करवा लेता हूँ, तार फिर से मैं आप लोगों को दिखा दूँगा क्या प्रॉब्लम होगा हो रहा था। ठीक है दोस्तों, ये जो म्यूटर ट्रांजिस्टर था, ये ट्रांजिस्टर का मैंने दोनों पिन को सोल्डरिंग कर चुका हूँ, एक पिन को खोल चुका हूँ। और खोलने के बाद मैं जो वोल्टेज आना चाहिए इस पर, जो हमारा 5 वोल्ट पहुँच रहा था, देखिए 4 वोल्ट, वही वोल्टेज हमारा ये म्यूटर पिन पर भी पहुँचना चाहिए। जो म्यूटर नहीं पहुंचेगा तो हमारा साउंड नहीं आएगा। तो इसीलिए क्या करते हैं, इस पे वोल्टेज पहुंचने के लिए मैंने ये वाला ट्रांजिस्टर का पिन मैंने ओपन कर चुका हूं। और ओपन कर देने के बाद इस पे हमारा जो वोल्टेज नहीं पहुंच रहा था, ग्राउंड के साथ शॉर्टेज हो गया था, वो 4.9 मिलना शुरू हो गया है। और ये जब मैं इसको टच कर देता हूँ तो इस पे पूरी तरह से 0 हो जाता है। देखिए मैंने इसको टच किया, दोनों ट्रांजिस्टर का पिन के साथ कनेक्ट कर दिया तो ये 0 हो गया। और मैं ट्रांजिस्टर पिन को जब छोड़ देता हूँ तो इस पे हमारा वोल्टेज पहुँच जाता है। ये देखिए 4.9 मतलब 5 वोल्ट पहुँच जाता है। 5 वोल्ट पहुँचने के बाद हमारा जो ए आईसी म्यूटर पे म्यूट पे चला गया था, और रिमोट पे म्यूट जो होता है उसको दबाने के बाद भी, ओपन करने के बाद भी हमारा साउंड नहीं आएगा, ये वाला ट्रांजिस्टर जब हमारा ख़राब रहेगा। तो क्या करते हैं, इसका ओके जो बटन है, ओके बटन को दबा देता हूँ। तो हमारा देखिए साउंड आ चुका है। मतलब दोस्तों क्या हुआ, हमारा ज़्यादा देर तक ये साउंड को नहीं चलाऊँगा, ये हमारा कॉपीराइट मूड पे चला जाएगा, इसीलिए मैंने साउंड को बंद कर देता हूँ। बंद कर दिया हूँ। और दोस्तों ये जो बता रहा था, इस पे जब तक हमारा म्यूटर पे 5 वोल्ट नहीं पहुँचेगा तो हमारा आईसी साउंड नहीं देगा। इसीलिए ये वाला ट्रांजिस्टर ख़राब हो गया था, ये गाउन के साथ शॉर्टेज हो गया था। और मैंने जब इसको ओपन कर दिया, इसका 5 वोल्ट आ चुका है। और क्या करते हैं, ये वाला पिन को ओपन करके भी आप कस्टमर को दे सकते हैं। लेकिन क्या होता है, हमारा सिस्टमेटिक जो कंट्रोलर है वो कंट्रोलर काम नहीं करेगा। इसीलिए जब टीवी को ऑन करेंगे तो एक आवाज़ आएगा। और इसीलिए दोस्तों क्या करते हैं, ये ट्रांजिस्टर को ओपन करके नया वाला ट्रांजिस्टर लगाना ज़रूरी होता है। ठीक है, मैं इसका नया वाला एक ट्रांजिस्टर लगा लूँगा और लगाने के बाद कस्टमर को दूँगा, क्योंकि ये सिस्टमेटिक काम करना ज़रूरी होता है और सिस्टमेटिक करके ही दूँगा। ठीक है, मैं इस ट्रांजिस्टर का नंबर दिखा देता हूँ आप लोगों को, इसका नंबर क्या था।
दोस्तों मैंने जो ट्रांजिस्टर को ओपन किया वो ट्रांजिस्टर का नंबर आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए 7142 S7142 ये वाला ट्रांजिस्टर का नंबर है और एक नया वाला ट्रांजिस्टर लगाऊंगा और साउंड आईसी का नंबर भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये शायद दिख रहा है आप लोगों को TDA7297 ये वाला हमारा ये वाला साउंड आईसी का नंबर है। और ये वाला जो ट्रांजिस्टर है ट्रांजिस्टर को ओपन करके नया वाला एक ट्रांजिस्टर लगाऊंगा। S7142 दोस्तों ये जो हमारा पुराना वाला ट्रांजिस्टर था ट्रांजिस्टर को मैंने खोल के नया वाला एक ट्रांजिस्टर लगा चुका हूँ और लगाने के बाद इसका साउंड चेक करेंगे तो हमारा जो वोल्टेज रिलेटेड प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ कि नहीं वो भी चेक कर लेंगे। दोस्तों मैंने ट्रांजिस्टर को सोल्डरिंग कर चुका हूँ और करने के बाद इसको ए बी से जो साउंड आना चाहिए ए बी कर देता हूँ ओके बटन दबा के। और ओके बटन दबाने के बाद हमारा पिक्चर आना चाहिए, देखिए पिक्चर आ चुका है। और पिक्चर आने के बाद मैंने जो साउंड को दबा के रखा था जो हमारा इस पे वोल्टेज देखेंगे पहले उसके बाद साउंड देखेंगे, जो इस पे वोल्टेज पहुंचना चाहिए ये वाला पॉइंट पे हमारा वोल्टेज आना चाहिए। ये हमारा वोल्टेज 4.9 आ चुका है। ये वोल्टेज कहाँ से आ रहा है, ये जो हमारा दूसरा ट्रांजिस्टर है ट्रांजिस्टर के मिडिल पॉइंट से हमारा वोल्टेज आ रहा है, देखिए इस पे वोल्टेज पहुँचेगा और यही वोल्टेज हमारा साउंड आईसी से कनेक्ट मेन आईसी से कनेक्टेड है। और इसको जब मैंने चेक किया तो इस पर वोल्टेज पहुंच गया जो हमारा 6 नंबर पिन पे इसका वोल्टेज आना जरूरी था। और जब मैंने ये बारह ट्रांजिस्टर लगाने के बाद इसका वोल्टेज सही कर दिया तो हमारा 6 नंबर पिन 1 2 3 4 5 6 ये वाला पिन पे हमारा वोल्टेज आ गया 4.9। और ये 4.9 हमारा वोल्टेज आने के बाद और ये 6 नंबर और 7 नंबर जो पिन है वो हमारा स्टैंड बाई पिन है, स्टैंड बाई पिन पे भी हमारा वोल्टेज आना चाहिए 2.4 आ रहा है। मतलब दोस्तों क्या हुआ, हमारा 6 और 7 नंबर पिन पे हमारा जब वोल्टेज आ जाएगा तो हमारा साउंड भी चालू हो जाएगा। देखिए हमारा ए बी पे पिक्चर आ चुका है और ए बी पे पिक्चर आने के बाद मैं इसको साउंड बढ़ा देता हूँ, हमारा जो सेटअप बॉक्स है सेटअप बॉक्स से साउंड बढ़ा दिया तो हमारा इस पे देखिए साउंड आ चुका है, साउंड बज रहा है। मतलब दोस्तों ये हमारा पूरा सिस्टम पे जो प्रॉब्लम था आज का वो साउंड का प्रॉब्लम था और वो साउंड प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो चुका है। दोस्तों आज का जो प्रॉब्लम था साउंड प्रॉब्लम वो सॉल्व हो चुका है। वो उसको कैसे चेक करना है, पहले तो स्पीकर को चेक करना है और स्पीकर चेक करने के बाद दोनों स्पीकर सही रहेगा तो उसके बाद देखेंगे हमारा साउंड सेक्शन। साउंड सेक्शन पे हमारा जो वोल्टेज आना चाहिए वो वोल्टेज हमारा मेन साउंड आईसी पे मेन वोल्टेज जो आ जाता है वो हमारा चॉपर्स कनेक्शन से आता है ए वाला पॉइंट से। और वो पॉइंट का वोल्टेज आता है इस दोनों पिन पे, एक तो ए वाला और दूसरा ए वाला पिन पे, ए वाला पिन पे। और आने के बाद वोल्टेज आने के बाद मतलब हमारा साउंड आईसी पे वोल्टेज पहुंच गया और पहुंचने के बाद म्यूटर सेक्शन और स्टैंड बाई सेक्शन को चेक करना जरूरी होता है, जैसे 6 नंबर और 7 नंबर पिन वो दोनों पे वोल्टेज आ जाएगा तो हमारा साउंड चालू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का नया नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।